हाय दोस्तों, साई इलेक्ट्रॉनिक में आपका स्वागत है। आज हम ये VPL का टीवी रिपेयर करने वाले हैं, तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसका क्या प्रॉब्लम है। ये देखिए, मैंने इसे ऑन कर दिया है। ये देखिए, ये ऑन नहीं हो रहा है, तो चलिए इसे खोलते हैं और देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, मैंने अब इसे खोल दिया है। अब हम इसके आउटपुट के वोल्टेज चेक करेंगे। तो दोस्तों, अब तक हमारे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी करें दोस्तों, ताकि इस तरह के वीडियो आपको देखने को मिले। तो चलिए अब हम इसके आउटपुट के वोल्टेज चेक करते हैं। मीटर की रेंज 200 DC पर लगाएंगे और ब्लैक प्रोब मैंने पिक्चर ट्यूब के ग्राउंड को लगा दिया है। तो चलिए अब हम इसे ऑन करते हैं और इसके वोल्टेज चेक करते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर 110 वोल्टेज आना चाहिए जो कि आ नहीं रहे हैं। यहाँ पर 0 शो हो रहा है। ये देखिए, नीचे के भी वोल्टेज पूरी तरह से नहीं आ रही है। तो इसका मतलब है कि ये प्रॉब्लम पावर सप्लाई की सेक्शन में है। तो सबसे पहले हम इसकी मेंस क्वाड चेक करेंगे। मीटर की रेंज मैंने कंटिन्यूटी पर लगाई है। ये देखिए, ये मेंस कॉर्ड है। ये देखिए, एक तरफ कंटिन्यूटी आ रही है और दूसरी तरफ भी आ रही है। इसका मतलब दोस्तों, हमारे जो ये मेंस कॉर्ड है वो ठीक है। अब हम इसका जो फेज होता है वो फेज चेक करेंगे। ये देखिए दोस्तों, इसका फेज भी पूरी तरह से ठीक है। और ये देखिए, एसी कॉल भी ठीक है। इधर का एसी का पॉइंट देखते हैं, यहाँ तक आ रहा है और यहाँ तक भी आ रहा है। इसका मतलब हमारी एसी कॉल पूरी तरह से ठीक है। तो यहाँ पर एक रजिस्टर लगा हुआ है। ये देखिए, रजिस्टर के एक पॉइंट पर तो आ रही है, लेकिन दूसरे पॉइंट पर कंटिन्यूटी नहीं आ रही है। तो ये देखिए, तो दोस्तों हमारा फॉल्ट इसी में है। तो देखते हैं रजिस्टर को निकाल के। ये देखिए, ये बड़ा वाला रजिस्टर है जो कि 10 वैट का है। तो चलिए पहले हम इसे निकालते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसे निकाल लिया है। ये देखिए, ये 10 वैट का रजिस्टर है। तो अब हम इसकी जगह ये नए वाला 10 वैट का ही रजिस्टर लगाएंगे। ये देखिए, तो चलिए हम इसे लगा लेते हैं और देखते हैं हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है या नहीं। तो चलिए अब हम इसकी कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं और देखते हैं कंटिन्यूटी आ रही है या नहीं। ये देखिए, यहाँ पर आ रही है और दूसरी तरफ भी अब कंटिन्यूटी आ रही है। तो चलिए हम इसको एक बार पावर देख के देखते हैं क्या होता है, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है या नहीं। तो चलिए अब हम इसे ऑन करते हैं। ये देखिए, इसको मैंने ऑन किया और हमारा स्टैंड बाई रिलीज हो चुका है। तो देखते हैं डिस्प्ले आता है या नहीं।
ये देखिए दोस्तों, डिस्प्ले भी आ चुका है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो फ्रेंड प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू फ्रेंड।